जय हिंद। मैं प्रकाश सर आप लोग के लिए बायोलॉजी का जो टॉपिक लेकर आज आया हूँ उस टॉपिक का नाम है वंशानुगति का पूर्व मंडलीय विचार। ये जो टॉपिक है या इसको कह सकते हैं कि अनुवांशिकता का पूर्व मंडलीय विचार, अनुवांशिकता का पूर्व मंडलीय विचार, मंडलीय विचार। देखिए ये जो टॉपिक है अनुवांशिकता का पूर्व मंडलीय विचार, इसका जो दूसरा नाम है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे मिश्रित वंशानुगति का सिद्धांत भी कहते हैं। आखिर समझिए ये नाम क्यों दिया गया, अनुवांशिकता का पूर्व मंडलीय विचार मतलब प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ हेरेडिटी। यह जो टॉपिक है यह टॉपिक इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अधिकांश लोग समझते हैं कि अनुवांशिकता के संबंध में मेंडल ने ही जो विचार दिया उसी के आगे अनुवांशिकता के बारे में जानकारियाँ मिली, उससे पहले जानकारियाँ नहीं थी। देखिए इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट तो थी उस समय तक मान्य भी थी, लेकिन जैसे जैसे नया कॉन्सेप्ट प्रमाणिक कॉन्सेप्ट आता गया वो सब हटते चला गया। ऐसा नहीं था कि मेंडल के समय से ही मुझे अनुवांशिकता के बारे में पता चला, उससे पहले भी बहुत सारे जो सिद्धांत थे वो दिए भी गए और बहुत सारे ऐसे तथ्य भी थे जिसकी सही जानकारियां थे, जिसको अगले टॉपिक में देखेंगे। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करें वो क्या है, अनुवांशिकता का पूर्व मंडलीय विचार, यानी मेंडल ने जो अनुवांशिकता का विचार दिया उससे पहले अनुवांशिकता के संबंध में क्या कहा जाता था। तो इसके संबंध में अलग अलग जो जीव वैज्ञानिक थे या अलग अलग जो साइंटिस्ट भी थे उन्होंने, इसलिए मैंने जीव वैज्ञानिक के साथ साथ अलग वैज्ञानिक का नाम लिया क्योंकि अलग अलग जैसे मैथ में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है उन्होंने भी वंशानुगति के संबंध में कुछ कहा, तो उन तथ्यों को भी हम लोग यहाँ देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग विचार दिए और उनमें से कुछ विचार अभी हम लोग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि वो कहाँ तक वो विचार सही है और वहाँ पर उस विचार में क्या क्या विसंगतियाँ हैं। तो एट फर्स्ट हम जो पहला विचार लेते हैं वो है, ए नंबर में दीजिए, वो है तरल सिद्धांत। तरल सिद्धांत, इसको अंग्रेजी में फ्लूड थ्योरी कहते हैं। यह जो सिद्धांत दिया, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यह सिद्धांत एम्पीडोक्लस के द्वारा दिया गया। एम्पीडोक्लस ने क्या बताया था, उनका कहना था कि नर एवं मादा दोनों के शरीर के सभी अंगों से, नर एवं मादा दोनों के शरीर सभी अंगों से प्रजनन के लिए विशेष प्रकार के तरल निकलते हैं और यही तरल क्या करते हैं, आपस में मिलकर नर एवं मादा के ही तरल आपस में मिलकर क्या करते हैं, भ्रूण का निर्माण करते हैं या कहिए तो नई संततियों का निर्माण करते हैं और यही तरल क्या करते हैं, लक्षणों को संततियों में लाने का काम करते हैं। तो यह क्या था, यह विचार था तरल सिद्धांत का, जो विचार दिया था इन्होंने एम्पीडोक्लस ने दिया था। और इनका कहना था कि यदि ये मिश्रण सही हुआ तो स्वस्थ संतान का जन्म होगा और यदि इस मिश्रण में दोष पाए गए तो अपंग अपाहिज संतान जन्म लेंगे। देखिए इस पर एक सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन यह है कि उन्होंने कहा कि दोनों माता और पिता दोनों के शरीर से तरल आते हैं, प्रत्येक अंग से आते हैं और आपस में मिलते हैं। अब थोड़ा सा विचार कीजिए, इनके सिद्धांत को यदि हम सही भी मान लेते हैं तो थोड़ा सा विचार कीजिए कि वह आदमी जिसका हाथ नहीं है, मानिए किसी कपल में दोनों का क्या है, एक एक हाथ नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि उसका हाथ यहाँ से नहीं होगा तो उस हाथ का तरल तो उसमें नहीं जाएगा जनन के लिए। इस स्थिति में जो बच्चे होना चाहिए वो बिना हाथ के होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो सिद्धांत है इस सिद्धांत में कहीं ना कहीं दोष है। अब दूसरा जो हम लोग बात करते हैं वो दूसरा सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम लोग नम वाष्प सिद्धांत के नाम से जानते हैं,
नाम का होता है मॉइस्ट मॉइस्ट वेपर थ्योरी, इसको मॉइस्ट वेपर थ्योरी कहते हैं। देखिए ये भी तरल सिद्धांत से ज़्यादा अलग नहीं है। मॉइस्ट वेपर जो थ्योरी दिया गया नाम बाष्प सिद्धांत, यहाँ पे तरल बोला गया और यहाँ पे बाष्प बोला गया, और यह जो सिद्धांत दिया गया ये पाइथागोरस के द्वारा दिया गया। आप मैथ में पाइथागोरस पर में भी पढ़े होंगे तो इन्हीं का दिया हुआ है। तो इन्होंने क्या कहा कि शरीर के सभी अंगों से जनन के लिए क्या होते हैं बाष्प निकलते, और ये बाष्प क्या होते हैं संघनित होते हैं, और ये नर एवं मादा दोनों के बाष्प आपस में मिलते हैं और संतान बनता है। चलिए इनके बात को भी उसी तराजू पे आप तोल के देख सकते हैं कि जिसके पास हाथ नहीं है कपल के पास दोनों का हाथ नहीं है, या मानिए दोनों कपल है, दो कपल में जिसके शादी दोनों अंधे मतलब दोनों में किसी को आँख से दिखाई नहीं देता, या उस बात को भी छोड़ दीजिए, हाथ पर ही कंसंट्रेट कीजिए कि यदि दोनों के एक एक हाथ कटा हो या दोनों हाथ कटा हो तो फिर उनके बीच भी यदि संयोग से जो संतान उत्पन्न होता हो तो उनके भी हाथ होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नम बाष्प सिद्धांत भी क्या है कहीं ना कहीं गलत है। और अगले टॉपिक में बताऊंगा कि ये जो मिश्रित वंशानुगति यानी कि नर एवं मादा दोनों के लक्षण के मिश्रण से जो संतान उत्पत्ति की बात करते हैं कि दोनों का लक्षण होता ही होता है, तो इसका भी कई सारा और भी अपवाद है जो सही नहीं होता। जैसे देखिए लैंगिक लक्षणों का मिश्रण नहीं होता, और मिश्रित वंशानुगति क्या कहता है न माता और पिता दोनों के सभी लक्षण आपस में मिश्रित होंगे, तो लैंगिक लक्षण का मिश्रण नहीं होता। नर एवं मादा दोनों के यदि तरल आए या नम बाष्प आए और दोनों यदि आए और मिश्रण से संतान बनाएंगे तो संतान तो हमेशा यूनिसेक्सुअल नहीं होकर हर्माफ्रोडाइट होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा ये सिद्धांत और भी आगे जाके बहुत गलत तो होता है, लेकिन अभी मोटी मोटी तौर पर हम लोग देखते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है, तीसरे सिद्धांत के रूप में हम लोग प्रजनन रक्त सिद्धांत को देखते हैं, प्रजनन रक्त सिद्धांत को देखते हैं। तो प्रजनन का हो जाता है रिप्रोडक्टिव, और रक्त का हो जाता है ब्लड, और सिद्धांत का क्या होता है थ्योरी। अब देखिए यह जो सिद्धांत है यह सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया, एक पॉपुलर नाम है ये विज्ञान में अरस्तु। यह सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया, और उनका मानना था कि प्रजनन के लिए क्या होते हैं नर एवं मादा के आपस में रक्त मिलते हैं, और रक्त मिलते हैं तो संतान होता है, और यदि रक्तों का मिश्रण शुद्ध हो, देखिए यहाँ पे सोच देखिए, इनका मानना है कि रक्त का मिश्रण यदि शुद्ध होगा तो लड़का का जन्म होगा, और रक्त का मिश्रण यदि अशुद्ध होगा तो लड़की का जन्म होगा। लेकिन देखिए दुर्भाग्य की बात है कि इन्होंने जनन क्रिया को ठीक से नहीं समझा होगा, क्योंकि सेक्स के समय कभी भी ब्लड का मिश्रण नहीं होता, मेल से निकलने वाले पदार्थ सीमेन होते हैं और सीमेन में आरबीसी नहीं होते, इस चीज़ को समझना होता। तो जो इन्होंने अपने भी प्रजनन की क्रियाओं को ठीक से महसूस नहीं किया जाता, इन्होंने इस तरह का विचार दिया। और दूसरी बात रक्त का मिश्रण शुद्ध और अशुद्ध किस स्तर पर इन्होंने बांटा था, बहुत सोचने वाली बात है कि ये जो शुद्ध और अशुद्ध मिश्रण की बात कहते हैं कि शुद्ध होगा तो लड़का अशुद्ध होगा तो लड़की, तो ये मिश्रण में शुद्धता का अनुमाप क्या था, किस प्रकार की शुद्धता की बात कहते हैं। इस तरह से इनका भी ये सिद्धांत गलत होता है वर्तमान समय में, लेकिन उस समय बहुत पॉपुलर था। अब अगला हम लोग लेते हैं कण सिद्धांत, या इसको विशेष सिद्धांत भी कहते हैं, मैं तो इसे कण सिद्धांत लिखता हूँ, और अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं पार्टिकुलेट थ्योरी। देखिए यह जो सिद्धांत दिया गया ये माउपर्टियस के द्वारा दिया गया, कण जो सिद्धांत दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया माउपर्टियस के द्वारा दिया गया। इनका मानना था कि शरीर के अलग अलग भाग से प्रजनन के लिए सूक्ष्म कण निकलते हैं। इन्होंने भी क्या कहा बिल्कुल एक ही ढर्रा पर सभी का सिद्धांत जा रहा है। इन्होंने यहाँ पे तरल सिद्धांत में एम्पीडोक्लस ने कहा था तरल निकलता है, नम बाष्प सिद्धांत में पाइथागोरस ने क्या कहा था कि बाष्प निकलते, और इसमें प्रजनन रक्त सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा था अरस्तु ने कि रक्त का मिश्रण से होता है दोनों का, और कर्ण सिद्धांत भी लमसम इसी ढर्रा पर है। इनका मानना था प्रजनन के लिए शरीर के विभिन्न अंगों से क्या होते कण निकलते हैं,
और वही कण क्या करते हैं, जो कण निकलते वही कण आपस में नर एवं मादा का कण मिलता है और क्या होता है, संतान की उत्पत्ति होते हैं। और इनका मानना था कि ये जो नर एवं मादा के जो कण हैं वो आपस में मिलते हैं और वही जनन क्रिया के समय मिलते हैं। तो लेकिन फिर इसमें भी तो वही बात हो जाएगी कि यदि किसी का दोनों पैर नहीं होगा यदि किसी कपल में, तो क्या किया जाएगा, तो उनके संतान में पैर नहीं होना चाहिए क्योंकि पैर से तो कण आया नहीं प्रजनन के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता, और भी रिसर्च किया गया जो कि आप पहले भी पढ़े थे कि चूहा के 22 पूछ तक क्या किया गया था, पूछ को काटा गया और निषेचन कराया गया था, और फिर उससे जो संतान होते थे प्रत्येक पीढ़ी में चूहा में क्या आ जाते थे, पूछ आते थे, जो इन सभी सिद्धांत को गलत करने के लिए वो प्रयोग काफ़ी था। अब जो हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, इसका जो अगला सिद्धांत है, पांचवा सिद्धांत के रूप में हम लोग पूर्व निर्माण सिद्धांत को देखेंगे। पूर्व निर्माण सिद्धांत। देखिए, मैं टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले कहूँगा कि यदि अभी तक भी कोई जो मेरा वीडियो देख रहे हो किसी के लिंक के द्वारा शेयर करके, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बायोलॉजी का तो एक कम्प्लीट जानकारी मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ मैं अलग अलग मुद्दों पर भी वीडियो बनाता हूँ जो कि अपने YouTube चैनल पे या अपने Facebook वगैरह पर देता हूँ, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह के तथ्यों को आपके बीच रखूँ। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, बहुत सारे मेरे छात्रों ने फेसबुक वगैरह हर जगह कमेंट कर पूछा कि सर, जो अभी युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन के और इजराइल के बीच में, इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, भारत के स्टैंड के बारे में आपने कुछ ना कहा। तो देखिए, मैं उसके लिए बायोलॉजी से अलग टॉपिक बना के मैं डालूँगा और बिल्कुल परफेक्ट जानकारी दूँगा, ना उसमें किसी का पक्षपात होगा, ना उसमें फिलिस्तीन का पक्षपात होगा, ना इजराइल का। भारत की जो दुनिया में वास्तविक स्थिति है उसका मैं अवलोकन कराऊंगा, ठीक। तो चलिए, अभी जो टॉपिक है वो क्या है, पूर्व मंडलीय पूर्व निर्माण सिद्धांत, और ये सिद्धांत मैल्पिक ही के द्वारा दिया गया। पूर्व को बोलते प्री और निर्माण को फॉर्मेशन, प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो ये प्री फॉर्मेशन थ्योरी जो दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, मैल्पिक ही के द्वारा दिया गया। अब देखिए, इन्होंने सबसे अलग हटके सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा कि शुक्राणु एवं अंड में जो मानव होते हैं ना, उसका पूरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म रूपों में बने हुए होते हैं। गौर समझिएगा, इनका कहना हुआ कि शुक्राणु में और अंड में जो मानव का संपूर्ण शरीर है, जैसे कि हाथ पैर नाक कान मुंह सब चीज़, पूरे होल इंटायर पूरे जो शरीर है ना, उसका प्रत्येक अंग बना होता है, लेकिन वो अत्यंत छोटे कणों के रूप में हो, यह मूर्ते नहीं है। इसका नाम इन्होंने दिया होमनकुलस। इसका नाम इन्होंने क्या दिया, होमनकुलस दिया, कि ये बने होते हैं माँ के गर्भ में, केवल इनका विकास होता है। इन्होंने ऊपर के जो चार धारा थे उससे अलग हट के सिद्धांत दिया, क्या कहा कि शुक्राणु या अंड में पूर्णतः पूरा शरीर, शुक्राणु में और अंड में पूरा शरीर ह्यूमन का जो है या किसी जीव का जो शरीर होता है वो पूरा बना होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों के रूप में, लेकिन माँ के गर्भ में उसका केवल क्या होता है, पोषण होता है, वो विकसित बड़ा होता है और फिर प्रसव द्वारा वो जन्म लेता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने भी थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। इस आधार पर तो बिना मैरिज का भी संतान का विकास होना चाहिए, क्योंकि मान लेते शुक्राणु में जो होमनकुलस है वो तो माँ के गर्भ में जाएगा तब विकसित होगा, लेकिन जो अंड में पूरा शरीर बना हुआ है वो तो बिना मैरिज का भी, यानी बिना शुक्राणु के गए हुए भी माँ के गर्भ में विकसित चाइल्ड में कन्वर्ट होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता, और ऐसा नहीं होना इनके सिद्धांत को गलत करता। दूसरी बात, जब इसमें भी पूरा शरीर बना हुआ, इसमें भी बना हुआ है, मान लेते कि आफ्टर मैरिज, इट मीन्स कि आफ्टर सेक्स में क्या होता है, स्पर्म एवं ओवम दोनों गया, कहाँ गया, तो गर्भाशय में जाएगा और गर्भाशय में विकसित होगा, तो यहाँ से एक संतान ये भी और एक संतान ये भी, ऑलवेज दो संतान का जन्म होना चाहिए था, ऐसा भी नहीं होता।
ऐसा भी नहीं होता तो जाहिर सी बात है कि इनका भी ये सिद्धांत क्या है, गलत होता है। अब आते हैं एक और सिद्धांत की मैं चर्चा करता हूँ, वो सिद्धांत है आपका पेनजेनेसिस का सिद्धांत। वो सिद्धांत है पेनजेनेसिस का सिद्धांत, या इसको पेनजेनेसिस सिद्धांत कहिएगा, थ्योरी ऑफ पेनजेनेसिस। अब नाम से ये मत समझ जाइएगा कि पेनजेनेसिस ने यह सिद्धांत दिया, क्योंकि हमेशा क्या होता है कि जब कोई इसी के नाम के साथ सिद्धांत जुड़ा होता है समझते हैं कि उस वो साइंटिस्ट का नाम है, यह साइंटिस्ट का नाम नहीं है। यह जो सिद्धांत दिया गया वो डार्विन के द्वारा दिया गया। यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, पेनजेनेसिस सिद्धांत डार्विन के द्वारा दिया गया। इन्होंने आनुवंशिकता के संबंध में क्या बताया, इन्होंने कहा कि जनन के लिए एक विशेष प्रकार के पदार्थ स्रावित होते हैं जिसको क्या कहते हैं, जेम्यूल या पेनजीन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जेम्यूल या पेनजीन कहते हैं। इन्होंने बताया कि जनन के लिए क्या होते हैं कि जेम्यूल या पेनजीन बनते हैं, और यही पेनजीन क्या करता है, नर एवं मादा का ही जो पेनजीन है वो आपस में मिलकर भ्रूण का निर्माण करता है, और भ्रूण बनने के बाद क्या होता है, वो चाइल्ड में विकसित होता है। लेकिन इन्होंने भी एक तथ्य जोड़ा कि प्रत्येक कोशिका से, यानी शरीर में जितनी कोशिकाएं हैं उन सभी कोशिकाओं से जेम्यूल या पेनजीन का क्या होता है, सेक्रीशन होता है। नर एवं मादा के दोनों के क्या होते हैं, जेम्यूल आपस में मिलते हैं, और जेम्यूल जब आपस में मिलते हैं तो इससे क्या होता है, संतति का विकास होता है। तो फिर इनकी भी बात वहीं पर गलत होगी कि जब किसी जीव का एक अंग नहीं होगा और उस अंग के अभाव में यदि, तो उससे भाग से क्या होगा, जेम्यूल नहीं आएगा, और जब वहाँ से जेम्यूल नहीं आएगा तो संतान वो अंग नहीं होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। अब आप इन जितने भी इनका कॉन्सेप्ट था, इसका इन कॉन्सेप्ट के यदि सिस्टमेटिक रूप से आप डिमेरिट्स देखना चाहते हैं कि या जो दिए थे, जो वंशागोति का जो लक्षण के बारे में दिए थे, इसके विरुद्ध जो प्रमाण दिया गया इसे जानना चाहिएगा, तो आप अगले वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसके बाद में वही वीडियो दूंगा कि जिसमें आपको साफ साफ बताया जाएगा कि इस सिद्धांत के दोष क्या है, इसके विरुद्ध क्या क्या प्रमाण दिए गए, ठीक। तो इसके लिए आप